पुरुषोत्तम, जो देवी देवताओं का नाम लेकर के घर से निकलेंगे श्रद्धा भाव से, हर क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें विजय मिलेगी। परमेश्वर अतुलम प्राप्यते भूदले पुमान, ईश्वर अपनी पूरी वीरता बलता सब दे देगा। कृष्ण भगवान ने अपना सब कुछ अर्जुन को दे दिया, क्या नहीं दे दिया, अर्जुन को अजय बना दिया। कृष्ण के अलावा अर्जुन को कोई जीत भी तो नहीं पाया था, कोई नहीं जीत पाया पार्थ को अर्जुन। आप कहेंगे कहते भीलों ने लूट लिया था, रास्ते में अर्जुन को पराजित कर दिया था, नहीं, पितामह भीष्म जिसको पराजित नहीं कर पाए, कर्ण जिसे पराजित नहीं कर पाए, भील क्या उन्हें पराजित करते। भगवान ने सोचा एक मैं ही हूँ अजय, अर्जुन तो संसार का जीव है और धरती पर जो जीव आया है उसने एक बार तो कम से कम पराजय का मुंह देखा ही है, लेकिन अर्जुन को अभी तक पराजय नहीं मिली, प्रकृति का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान ही रास्ते के भील बन करके अर्जुन को पराजित कर दिया। मनुष्यों की ताकत नहीं थी कि कोई अर्जुन को परास्त करके बता देता। एक ऐसा भगवान है जो अजय है, जीत को सके अजय रघुराई, माता जानकी ने बात कही थी, तो क्या सुंदर बात कही है। परमेश्वर तुलम प्राप्यते भूतले पुमान, जो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं भगवान अपनी शक्ति उन्हें प्रदानित कर देते हैं, अपनी ताकत दे देते हैं। सिरा दे भगवान अपनी ताकत दे देते हैं, अपनी शक्ति उड़ेल देते हैं उन्हें। परमेश्वर मतुलम प्राप्यते भूतले पुमान, बड़ा अद्भुत श्लोक है कवच का। कहा हुआ व्यक्ति जिसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है वो सब मिल जाता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। 45 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है, दुर्गा सप्तशती आप रखते ही होंगे। निर्भय हो जाते मर्त संग्रामेश्व पराजिता, वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। और प्राय लोग भयभीत बहुत होते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस इसी में है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं आदमी इसी में परेशान है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ गड़बड़ करो ही मत तो लोग क्या कहेंगे, उसकी काई को आप चिंता कर रहे हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है, उससे कोई अपराध नहीं हो सकता। यह दुर्गा कवच की बहुत बड़ी महिमा है। और फिर कहा तलोक्यत भवेत पूज्य कवचेना अर्थ पुमान, पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी, आदर करेगी, लोग उसके चरणों में गिर पड़ेंगे जो माता रानी के कवच का पाठ करेंगे। तो ये बात जो कही गई है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। आठ सिद्धियां ना, अड़िमा महिमा लघिमा, ये जो सिद्धियां हैं ये माता रानी की कृपा से आ जाती है।